ज्यादा निर्णायक है इस समय। एक तरफ असली और नकली सभ्या के रहस्य का निराकरण और दूसरी तरफ नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह को समय की बंधी हुई सीमा में गिरफ्तार करने की बद्रीनाथ की भीषण प्रतिज्ञा। बद्रीनाथ मेरे मित्र, समय तुम्हारा साथ दे। सिंह के बीच फासला कुछ घड़ियों का है। तमाम अड़चनों को मैंने सामने डाला। महाराज के सामने मेरा सर झुकेगा नहीं, गर्व से ऊंचा रहेगा। मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे। Thank you.
परेशानी है यार। आमिर, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं सरकार, जब आप अपने बचपन में चले गए थे ना, तो बद्री ने कसम खाई है कि चार पहर के अंदर वो जावास को गिरफ्तार कर लेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर सका तो अपनी तलवार से अपनी गर्दन उड़ा देगा। वही जो हम चाहेंगे। आमिर, जावास को पकड़ने की कुंजी हमारे पास है। कुंजी? कौन सी कुंजी सरकार? वो कुंजी है नागढ़ का युवराज वीरेंद्र सिंह, और बद्री के इस भावुक प्रतिज्ञा से बद्री खुद ब खुद मौत की आगोश में खींचा चला आएगा, और फिर जीवदत्त की ताकत की दीवार बद्री जैसे खंभे के गिर जाने से जड़बड़ा जाएगी। विजय बहादुर रामलाल और चुनीलाल, दिन ब दिन समय निकलता जा रहा है, लेकिन शिवदत्त को उस तिलस्मी खजाने का राज और जाबाज अभी तक नहीं मिला। कहां है बद्रीनाथ? वो बद्रीनाथ जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 24 घंटों के अंदर उस जाबाज को हमारे कदमों में डाल देगा। कहां है बद्रीनाथ? महाराज, योजना के अनुसार हमारे बहादुर सेनापति बद्रीनाथ ने अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए नौगढ़ के कुंवर वीरेंद्र विक्रम को बंदी बनाकर आपके कदमों में पेश करने की कसम खाई। शिवदत्त को वीरेंद्र विक्रम नहीं बल्कि जाबाज चाहिए, वो जाबाज जिसके पास तिलिस्मी खजाने का राज है। महाराज, जब जाबाज को यह पता चलेगा वीरेंद्र विक्रम को नौगढ़ में बंदी बना लिया गया है, तो वो अपने कुंवर को, अपने दोस्त को बचाने के लिए आपके सामने घुटने टेक देगा और तिलिस्म का राज बता देगा। महाराज की जय हो। ये कैसी सौगात है पन्नालाल, तुम खामोश क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? दिलीप, कहां है बद्रीनाथ? वो बद्रीनाथ जिसने प्रतिज्ञा की थी कि वो 24 घंटों के अंदर उस जाबाज को हमारे कदमों में डाल देगा। कहां है बद्रीनाथ? महाराज, योजना के अनुसार हमारे बहादुर सेनापति बद्रीनाथ ने अपनी बहादुरी का सबूत देते हुए नौगढ़ के कुंवर वीरेंद्र विक्रम को बंदी बनाकर आपके कदमों में पेश करने की कसम खाई। शिवदत्त को वीरेंद्र विक्रम नहीं बल्कि जाबाज चाहिए, वो जाबाज जिसके पास तिलिस्मी खजाने का राज है। महाराज, जब जाबाज को यह पता चलेगा वीरेंद्र विक्रम को नौगढ़ में बंदी बना लिया गया है, तो वो अपने कुंवर को, अपने दोस्त को बचाने के लिए आपके सामने घुटने टेक देगा और तिलिस्म का राज बता देगा। महाराज की जय हो। ये कैसी सौगात है पन्नालाल, तुम खामोश क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारे बहादुर सेनापति बद्रीनाथ का कोई सर कलम करे इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। समय रहते अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने की वजह से आपके सामने शर्मिंदा होने की बजाय उन्होंने अपना सर खुद कलम करके आपकी खिदमत में पेश किया है। शिवदत्त को बद्रीनाथ की सौगात पर गर्व है,
जानते हो पन्नालाल, बद्रीनाथ चुनारगढ़ का एक बहुत ही दिलेर और बहादुर सेनापति था। बद्रीनाथ ने अपने जीवन की आहुति देकर चुनारगढ़ के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा लिया है। लेकिन बद्रीनाथ की आखिरी इच्छा और इसकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। क्या तुम लोगों में से कोई है जो बद्रीनाथ की प्रतिज्ञा को पूरी कर सके? कोई है? कोई है? मैं हूं। कौन तुम? मैं इस दिलेर और ईमान के पक्के सेनापति बद्रीनाथ का भाई हूं सोमनाथ। मैं इसकी प्रतिज्ञा और इसके अंतिम वचन को पूरा करना चाहूंगा। मुझे आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है महाराज। तुम्हें हमारी आज्ञा है सोमनाथ। सोमनाथ नहीं बल्कि बद्रीनाथ। आज से तुम बद्रीनाथ हो और शिवदत्त को इस बात में कोई शक नहीं कि बद्रीनाथ के खानदान में जन्म लेने वाला जरूर बहादुर होगा। बद्रीनाथ शिवदत्त को वीरेंद्र विक्रम चाहिए। वीरेंद्र विक्रम जो आपके महाराज। युवराज, जिस तरह आपने अपने पराक्रम से सोनागढ़ के राजा ध्रुवचंद को परास्त किया है, उससे यह राज नवगढ़ रियासत का हिस्सा बन गया है। इसका श्रेय आपके युद्ध कौशल और इस अजय तलवार को है, जिसने कभी पराजय का अनुभव नहीं किया। युवराज। हाँ मर्जी। मेरी तलवार की धार गवाह रहेगी जिसे मैंने अभी चूमा है। चंद्रकांता की पेशानी को चूमने का हक यही तलवार मुझे देगी। और युवराज, विजयगढ़ के पराजय का वो दिन अब दूर नहीं रहा। युवराज की जय हो। क्या बात है? तेज सिंह ने आपके लिए खास संदेश भेजा है। तेज सिंह ने? ठीक है, तुम जाओ। अमरजीत बड़ोगे से देखो तहसान फरामोश तेज सिंह ने क्या संदेश भेजा है। युवराज की खिदमत में तेज सिंह का प्रणाम। कुंवर, आपके मन में मेरे खिलाफ चाहे जो भी गलतफहमी हो, लेकिन मैं लगातार नवगढ़ के हितों के लिए सक्रिय रहा हूं। इस वक्त आप ये मंजूर करना चाहें या न चाहें, लेकिन एक दिन इस बात को आप मंजूर करेंगे। संदेश क्या है अमरजीत? संदेश यह है युवराज कि चंद्रकांता के पिता विजय महाराज जय सिंह को तेज सिंह ने इस बात के लिए मना लिया है कि वे नवगढ़ और आपसे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती की संधि करें। युवराज की जय हो। क्या बात है? तेज सिंह ने आपके लिए खास संदेश भेजा है। तेज सिंह ने? ठीक है, तुम जाओ। अमरजीत बड़ोगे से देखो तहसान फरामोश तेज सिंह ने क्या संदेश भेजा है। युवराज की खिदमत में तेज सिंह का प्रणाम। कुंवर, आपके मन में मेरे खिलाफ चाहे जो भी गलतफहमी हो, लेकिन मैं लगातार नवगढ़ के हितों के लिए सक्रिय रहा हूं। इस वक्त आप ये मंजूर करना चाहें या न चाहें, लेकिन एक दिन इस बात को आप मंजूर करेंगे। संदेश क्या है अमरजीत? संदेश यह है युवराज कि चंद्रकांता के पिता विजय महाराज जय सिंह को
तेज सिंह ने इस बात के लिए मना लिया है कि वे नौगढ़ और आपसे दुश्मनी छोड़कर दोस्ती की संधि करें। संधि की शर्तें? यही युवराज, कि विजयगढ़ के जय सिंह ने सुविधा के जीते हुए इलाकों को हमें वापस देना मंजूर कर लिया है। ताज्जुब है, यह तेज सिंह की कूटनीति का एक बेमिसाल उदाहरण है युवराज। इतना ही नहीं, अब विजयगढ़ हमारे साथ मिलकर अपने दुश्मन चुनारगढ़ के महाराज शिवदत्त से लड़ने को भी तैयार हो गया है। विजयगढ़ ने सुमेधा के इलाकों को वापस देना मंजूर किया है या हमें उनका अधिकार सौंप दिया है? हमें सुमेधा के इलाकों का अधिकार सौंप दिया है युवराज। लेकिन सुमेधा पर चुनारगढ़ का आक्रमण और वहां के लोगों की तबाही और बर्बादी का मसला तो सुविधा में उसी तरह बरकरार है। और मैं जानता हूं इसकी वजह है सुविधा का तिलिस्म, और जाबाज ने उस तिलिस्म की रक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। यह खुद जाबाज का अपना फैसला है युवराज। यही तो अमरजीत, यही तो जाबाज ने हमें रोक रखा है, वरना हम सोनागढ़ के मोर्चे पर जाने से पहले ही सुमेधा का मसला सुलझा देते। लेकिन जाबाज का यही फैसला है कि जब उसे हमारी जरूरत होगी तभी वो हमें खबर करेगा। बस जाबाज का यही फैसला हमारे इरादों के आड़े आ रहा है, वरना हम चुनारगढ़ को मुंह तोड़ जवाब देकर सबक सिखा देते हैं। विस्फोट कैसा है अमरजीत, जाकर देखो कैसा है विस्फोट। जाओ अभी आए युवराज।